नमस्कार, बोलते तारे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। सुबह उठते ही सभी के मन में यह आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे और कुछ अनुचित ना हो, इसलिए सभी अपने राशि के अनुसार राशिफल जानने को उत्सुक रहते हैं। वही राशिफल एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से आप स्वास्थ्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम, नौकरी से जुड़ी जानकारी भी आपको मिल सकती है। तो राशिफल के बारे में जानेंगे, और उससे पहले जानेंगे कि आपके कई बार लोगों को कहते सुना होगा कि उन्हें किसी की नज़र लग गई है, लेकिन क्या ये होता है? आपने कभी ये सोचा आखिर नज़र लगना, नज़र दोष लगना ये क्या होता है? दरअसल दुनिया में कई तरह की ऊर्जा काम करती है, जैसे सकारात्मक, नकारात्मक आदि। ये ऊर्जा हमारी सोच, व्यवहार, आदत और शब्दों से बनती है। हमारे अपने शरीर और घर में आमतौर पर सकारात्मक ऊर्जा होती है। जब किसी के सोच, स्वभाव और स्पर्श से हमारे ऊपर नकारात्मक असर पड़ता है तो उसे हम नज़र लगना कहते हैं। नज़र लगने से हमारे स्वास्थ्य, सोच और प्रगति में कुछ क्षण रुकावट आ जाती है। यह रुकावट काफी तेज होती है और एकदम से बिना कारण सब रुक देती है। कभी कभी तो व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार पड़ जाता है और कारण भी पता नहीं चलता। यही वजह है कि हमेशा नजर दोष से बचने की सलाह दी जाती है। आज मैं भी आपको नजर दोष से बचने की सलाह दूंगी, साथ ही उपाय भी आपको बताऊंगी। तो चलिए उपाय पर नजर डालते हैं। एक तांबे के लोटे में पानी और ताजे फूल लेकर नजर लगे व्यक्ति के सिर पर से 11 बार उतारे। इसके बाद उस पानी को किसी पेड़ के नीचे या गमले में डाल दे। इस उपाय को करने के बाद नजर दोष दूर हो जाती है। शनिवार के दिन हनुमान मंदिर में जाकर उनके कंधे पर लगे सिंदूर को लेकर माथे पर लगाने से बुरी नजर का प्रभावित कम होता है। काले धागे को हाथ में धारण करने से बुरी नजर से छुटकारा पाया जा सकता है। हनुमान चालीसा एवं बजरंग बाण का नित्य जाप करने से भी नजर दोष से बचा जा सकता है। बुरी नजर से बचना है तो पंचमुखी या हनुमान जी का लॉकेट धारण करना चाहिए। अगर बच्चे को नजर लग गई है तो उसे नमक, राई के दाने, पीली सरसों, मिर्च, पुरानी झाड़ू का एक टुकड़ा लेकर उसे ऊपर से 8 बार उतार कर आग में जला दे। यदि जलाने पर मिर्च की धांस नहीं आती है तो समझ लीजिए कि उसकी नजर उतर गई है। लेकिन अगर आप नमक से नजर उतारते हैं तो उस नमक को घर के टॉयलेट में फ्लश कर दें और उसकी तरफ देखे नहीं, इससे नजर उतर जाएगी। आप अगर कोयले से नजर उतारना चाहते हैं तो कोयले से आप नजर उतार कर इसे पब्लिक वॉशरूम के डस्टबिन में जाकर रख दें, इससे भी आपकी नजर उतर जाएगी। वहीं अगर आप सूखी मिर्ची से नजर उतारना चाहते हैं तो इससे आप नजर उतारने के बाद अपने घर के तवे पर बिल्कुल ना जलाएं, क्योंकि आप उसी तवे पर खाना खाते हैं और उसी तवे पर अगर नजर लगी हुई मिर्ची आप घर के तवे पर जलाएंगे तो वो नजर नहीं उतरेगी। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं और इसके करने के बाद से आराम से नजर उतर जाती है। आप चलिए राशिफल पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। कहीं पैसा निवेश किया हुआ है तो आज का दिन आपके लिए लाभकारी है। आपके चारों ओर ध्यान बनाए रखें क्योंकि कोई अच्छा अवसर आपके हाथ लग सकता है। चलिए अब आपको शुभ रंग और अंक बता देती हूँ। आपका शुभ रंग बैगनी है, शुभ अंक 7 है। और मेष के बाद अब वृष राशि की बात करते हैं। खर्चे बढ़ जाएंगे लेकिन कमाई उतनी नहीं होगी। ऐसे में बेवजह के खर्चों पर लगाम लगाए और धन संबंधी कोई बड़ा निर्णय अपनों से बड़ों के साथ विचार विमर्श करके करें। चलिए वृष राशि वाले जातकों के लिए शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग भूरा है और शुभ अंक 1 है। और अब मिथुन राशि की बात करते हैं। कुछ दिन से चली आ रही बीमारी से आराम मिलेगा। आज के दिन आप अपेक्षाकृत तरोताजा महसूस करेंगे। मानसिक रूप से दिमाग शांत रहेगा और नए विचार मन में आएंगे। आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग आसमानी है, शुभ अंक 4 है। और अब कर्क राशि की बात करते हैं और जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा दिन रहेगा। कार्यस्थल में किसी को लेकर आपका आकर्षण हो सकता है। ऑफिस में आपको लेकर बातें होगी, इसलिए किसी बात को लेकर उत्तेजित होने से बचें। राशिफल के बाद शुभ रंग और अंक आपका जानते हैं। आपका शुभ रंग पीला है, शुभ अंक 5 है। और अब बात करते हैं कर्क के बाद सिंह राशि की। सुबह का समय थोड़ा चिंतापूर्ण रहेगा लेकिन शाम होते होते सब सामान्य हो जाएगा। आपका किसी के साथ कहीं बाहर जाने का भी प्लान बन सकता है। आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। आपका शुभ रंग काला है, शुभ अंक 6 है। अब चलिए बात करते हैं कन्या राशि की। शत्रु आपका लाभ उठाने की कोशिश में रहेगा लेकिन समझदारी से आप किसी की समस्या को टाल सकते हैं। अपने मन को शांत रखने का प्रयास करें। राशिफल के बाद शुभ रंग और अंक आपका जानते हैं। आपका शुभ रंग सलेटी है और शुभ अंक 5। कन्या के बाद अब तुला राशि की बात करते हैं।
बिजनेस में किसी बात को लेकर काम अटक सकता है या कोई डील भी कैंसिल हो सकती है। आप अपना ध्यान अपने काम पर कम लगाएंगे, इसलिए काम को महत्व देते हुए ध्यान दें। अब आपका शुभ रंग और अंक आपको बता देती हूँ। आपका शुभ रंग ग्रे है, शुभ अंक एक है। अब वृश्चिक राशि की बात करते हैं। आज के दिन अपनी बहन के लिए कुछ नया करने का प्रयास करेंगे तो रिश्ते और ज्यादा मजबूत होंगे। बाहर किसी व्यक्ति के साथ अपनी निजी बातें साझा करने से बचें। चलिए आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। राशिफल के बाद आपका शुभ रंग भूरा है, शुभ अंक 9 है। वृश्चिक के बाद धनुराशि की बात करते हैं। सरकारी नौकरी कर रहे लोग आज के दिन किसी भी वाद विवाद में पड़ने से बचें, अन्यथा यह आपके लिए उल्टा दाव सिद्ध होगा। घर में किसी सदस्य की नई नौकरी भी लग सकती है। आपका शुभ रंग सफेद है, शुभ अंक 7 है। शुभ रंग और अंक के बाद अब बात करते हैं मकर राशि की। प्रेम जीवन में है तो आज आपको अपने साथी की कोई बात बुरी लग सकती है जिस कारण मन उदास रहेगा। रिश्तों को संभालने के लिए उन्हें समय अवश्य दें। और अब बात शुभ रंग और अंक कर लेते हैं। आपका शुभ रंग काला है और शुभ अंक आपका 8 है। और अब बात करते हैं कुंभ राशि की। अपने पिता से करियर को लेकर विचार विमर्श संभव है, ऐसे में उनसे खुलकर बात करें और उनसे अपनी समस्याओं को विस्तार पूर्वक साझा करें तो परिणाम बेहतर होंगे। और आपका शुभ रंग और अंक जानते हैं। राशिफल के बाद आपका शुभ रंग है नीला और शुभ अंक है 6। और अब कुंभ के बाद अंतिम राशि मीन की बात करते हैं। किसी कार्य को करने का सोच रहे हैं और बहुत दिनों से वे मन में है तो आज उसे कर डालें। आज का दिन आपकी कुंडली के अनुसार अत्यंत शुभ दिन है। और चलिए अब आपका शुभ रंग और अंक जान लेते हैं। और साथ ही शुभ रंग आपका लाल है और शुभ अंक 4 है। बोलते तारे में आपको सिर्फ राशिफल ही नहीं, आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है और उसके उपाय पर भी हम चर्चा करते हैं। साथ ही हमने आपको बताया कि किस तरीके से बुरी नज़र से आपको दूर रहना है, कैसे आप बुरी नज़र से बच सकते हैं। फिलहाल बोलते तारे में इतना ही। नमस्कार।